गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 नाइन्थ स्टैंडर्ड का। मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, आपको समझ में आया? मैंने आपको फ़ोटो भी भेजा है और वीडियो भी देख लेना। फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी है, उसके सेम वैसा ही आपको निकलेगा सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम मैं ओरली आपको बताने वाली हूँ। देखो, अब जब हम लोगों ने आपको बताया, मैंने आपको बताया था प्रोट्रैक्टर का जो डी होता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, राइट? जब 180 डिग्री में से एक को 110 मिल रहा है तो बाकी को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 180 माइनस 110 कितना होता है? 70 डिग्री। हाँ, तो ये जब इधर 110 हो रहा है तो इधर हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है? तो और यहाँ पे 115 है, तो 115 माइनस 180 माइनस 115 तो कितना बचता है यहाँ पे? 65 डिग्री। तो ये हमारा निकलेगा 65 डिग्री और ये हमारा निकलेगा 70 डिग्री। आया समझ में? और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये भी क्या निकलेगा? 115। तो और ये एक्सटीरियर एंगल बोले तो ये ऐसे भी निकल सकता है, और लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल से निकलेगा 65 डिग्री। ये तो आप रीज़न लिख सकते हो, ये दोनों बी और डी करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग 65 निकले हैं, और ये लीनियर पैर हैं, लीनियर पैर के अकॉर्डिंग ये 110 का 70 निकला है और 115 का 65 निकला है। समझ में आया? और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में एक 45 डिग्री दिया गया है, बाकी ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। अब मुझे बताओ क्या ये कौन से रीज़न से कोई निकल रहा है? क्या ये वर्टिकल अपोजिट हो रहा है? लेकिन उसके पहले हमको ये पूरा ये निकालना पड़ेगा। तो अगर मैंने ए बी सी मान लो, इधर मैंने डी लिख दिया, तो डी का ये आप लीनियर पैर निकालो, कितना आएगा? 180 माइनस 45 होता है 135, तो 135 डिग्री ये होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ए हमारा भी निकलता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री निकलेगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट है, तो बी भी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, ये तो दो पैरेलल लाइन है और इधर से भी दो पैरेलल लाइन है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल है, और ये पैरेलल है तो ये दोनों ट्रांसवर्सल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग 135 डिग्री होगा। लेकिन रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा आया लीनियर पैर का डी, क्या आएगा? लीनियर पैर का डी, और ये हमारा आएगा ए जो निकला है, डी हमारा निकल गया 135 डिग्री लीनियर पैर के अकॉर्डिंग, और ए हमारा निकलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये भी क्या निकला? डी। और ए और बी आमने सामने हैं तो ये जो दोनों हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या हो जाएंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये दोनों होगा करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग डी भी निकला, यानी कि एक 135 निकला और उसी का सेम रीजन निकालते गए तो सबका 135 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको सॉल्व करके प्रूफ करके बताऊंगी कि ये कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है? तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लो, बहुत इजी है, और नोटबुक में और SWSCW में करके ले लो, वर्कबुक होगा तो वर्कबुक में भी सॉल्व कर लेना, ये तीनों क्वेश्चंस हैं उसमें, और प्रैक्टिस कर लो क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।